सूरत में लातुरकर, मैं लोगों के लिए यमराज हूँ, तुम मेरे लिए यमदूत क्यों बने हो यार? डॉक्टर पी के ही हा हू, गुड मॉर्निंग। देखो आज मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनूंगा, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और चलते बनो। तुम लोग पूरी तरह ठीक हो? हम कैसे ठीक हो सकते हैं डॉक्टर? डॉक्टर हम दोनों तो बीमार हैं, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सेक्सुअली, सॉरी। जब से मैं लातूर से आया हूँ, भयानक भूकंप के झटके साथ लाया हूँ। खाता हूँ झटके, पीता हूँ झटके, उठता हूँ तो झटके, सोता हूँ तो झटके, यहाँ तक कि मैं सपने भी झटके वाले देखता हूँ। ये झटका किंग है। अब बताइए डॉक्टर, कितने टनों के झटके खाने वाला मरीज इतने जल्दी कैसे ठीक हो सकता है? क्या इस बेचारे की जिंदगी को भूकंप के झटकों ने बर्बाद कर दिया। और इधर देखो, मेरे को प्लेग के चूहे ने कुतर डाला। घर में चूहे, सड़क पर चूहे, पानी में चूहे, आग में चूहे, हवा में चूहे, और भांत भांत के चूहे डॉक्टर साहब, अलग अलग मुल्क के चूहे, इंडियन चूहे, अमेरिकन चूहे, निग्रो चूहे, रशियन चूहे, चारों और चूहे और चूही। क्या कहा? चूही? चूहे नहीं, चूही तेरी माँ। बंद करो अपनी बकवास और निकल जाओ यहाँ से। हम लोग कहाँ जाएंगे डॉक्टर साहब? ना घर है ना घर वाली। हम तो सोच रहे थे कि जिंदगी भर यही रहेंगे और सरकार का खाना खाते रहेंगे। ये अस्पताल है, अनाथ आश्रम नहीं। वार्ड बॉय। जी साहब। तो आ गए, इन्हें उठाकर बाहर फेंक दो। अरे हमको कचरे का डब्बा है जो बाहर फेंक दे? अरे हम शानदार इज्जतदार खानदान के चश्मे चिराग है, और अगर किसी ने इसके चिराग को बुझाने की कोशिश की, अरे मैं खुजली कर रहा था, तू डर गया ना? इन्हें बाहर ले जाओ। छोड़ना यार। अरे मिल गया मिल गया, हमें रोटी खिलाने वाला मिल गया। कौन? देख उस छलिया को, कितना हैंडसम है यार। हम उसको हीरो बनाने की टोपी पहना दे। मगर कैसे? अरे यार, जब हम सूखी रोटी से घी निचोड़ लेते हैं, आम के पेड़ से इमली तोड़ लेते हैं, तो इस छलिया को हीरो बनाने में क्या फर्क पड़ता है? चल। वाह, व्हाट अ सेक्सी, व्हाट अ पर्सनालिटी, माइकल जैक्सन। वाह वाह, क्या कमर है, क्या टांगे हैं, क्या अदा है। एक मिनट, आप दोनों की तारीफ। हम दोनों मशहूर फिल्म डायरेक्टर हैं। मैं बिंदास, ये मुस्कान। हम 10 करोड़ की फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर आपको हीरो लेना चाहते हैं। फिल्म का टाइटल है दो बेचारे भूखे मारे। वो तो ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना होगा? हम दोनों को 50-50 रुपया देना पड़ेगा। जल्दी निकालो जल्दी। और अगर नहीं दिया तो? हम जबरदस्ती करेंगे, हम गुंडे बदमाश भी हैं। हमने पराठे खा के कराटे भी सीखे हुए हैं। मैं बहुत डर गया। चलो जल्दी निकालो। फिर क्या है कि अगर पब्लिक में दूंगा तो आप दोनों को लोग भिखारी समझेंगे। गाड़ी के पीछे आइए, इज्जत से दूंगा। वाह, देखा हमारी कितनी इज्जत करता है। फॉलो हिम, फॉलो मी, आइए। कम ऑन। देखिए भाई साहब, आपने इतनी बेरहमी से हमें कितना मारा, अब तो हम दोनों को 50-50 रुपए दे दीजिए। अरे यार, फिल्म के विलन फिल्मों में मार खाने के लाखों रुपया लेते हैं, आप हमें 50 रुपया भी नहीं दे सकते? मुफ्त में सरकार की रोटियां तोड़ने वाले, मैं तुम लोगों के बारे में सब कुछ जानता हूँ। सूरतमल लातुरकर, इसे कैसे मालूम? कैसे? ये सब हमें डॉक्टर पी के ही हाहू ने बताया है। अरे अपना बीड़ू आ गया। अरे भाइयों, अरे जल्दी, अरे देखो मेरा गबरू जवान आ गया। जो दिखता है बंगाली, लेकिन इसकी हर अदा है मतवाली। इसके प्यार में कभी नहीं होता है घाटा, क्योंकि उसके बाजू में छुपा है मर्द मराठा। वो है मोहब्बत का उमड़ता सैलाब, जिसके होठों से गीत गाता है पंजाब, तमिलनाडु हो या हो कर्नाटका। अरे ओ, जो हमेशा देता है इसके दिल को हर जगह झटका। अब मैं लगाता हूँ इसको एक फटका। ये एक नंबर की चुट्टी है, इसकी बातों में मत आइए। आपने अपनी जेबें देखी है?
अरे मेरा पर्स, मेरी घड़ी, मेरी चेन, मेरा बटुआ। ए, सबका माल वापस कर। मेरी चेन। ये ले। मेरा बटुआ। मेरा मेरा पर्स। ये ले। अभी आप लोग जा सकते हैं। अरे अरे ठहरो 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 भाई साहब, अगर आप लोग चले गए तो मुझे इंसाफ कौन दिलाएगा? मैंने आप लोगों की पॉकेट मारी है, लेकिन ना तो ये मुझे गिरफ्तार करेगा और ना ही कोई सजा दिलाएगा, बल्कि मेरा एक प्यार भरा चुम्मा लेकर मुझे छोड़ देगा। हाँ भाइयों, और जैसे ही मुझे पता चला कि इसका शहर में ट्रांसफर हो गया, मैं भी इसके पीछे पीछे आ गई। ये मुझे बहुत प्यार करता है। हाँ, तो फिर आज कानून के साथ ये नाइंसाफी क्यों? अरे भाई, जब मैंने जुर्म किया है तो इसके बाद भी मुझे ये आजाद कैसे छोड़ सकता है? ए मिस्टर, प्यार करने के लिए वर्दी पहनी है, ये पॉकेट मार को गिरफ्तार करो, नहीं तो हम कमिश्नर साहब से तुम्हारी कंप्लेन कर देंगे। अब ठीक है ठीक है, मैं इसे गिरफ्तार करता हूँ। ए चल। हाँ चलती हूँ चलती हूँ। अच्छा भाइयों, थैंक यू वेरी मच। हाँ, आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मैं जाती हूँ। हाँ, आप लोग भी जाओ, आप लोग भी जाओ। अब मैं पुलिस स्टेशन में जाकर शादी रचाऊंगी और लॉकअप में सुहागरात मना कर ही आऊंगी। बाय बाय। चल भाग जाओ यहाँ से। क्यों भाग जाओ? ये सारा ड्रामा मैंने यहाँ से भागने के लिए थोड़ी, तेरे दिल के लॉकअप में बंद होने के लिए किया। बाहर निकालो इसको। हवलदार, मुझे अंदर कर दो। देख कैंची, तू सुधर जा। अच्छा ठीक, तू सिर्फ एक बार मेरे को आई लव यू बोल दे, फिर देख मैं सुई की तरह सीधी हो जाऊंगी और तेरे होने वाले बच्चों के जिंदगी भर कपड़े सीधी रहूंगी। ऐसे ऐसे ऐसे। शट अप एंड गेट आउट। मैं आउट होने नहीं, इन होने आई हूँ। अब मैं तेरे सामने वाले लॉकअप में बंद होकर मैं तुझ पे लाइन मारूंगी।